आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग केम सॉफ्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लासों में हमने लगभग क्रैंक सॉफ्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था, तो क्रैंक सॉफ्ट से चलने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे केम सॉफ्ट कहते हैं, चित्र की सहायता से। आइए हम लोग समझते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं केम सॉफ्ट का है, केम सॉफ्ट। आप देखे होंगे सिंगल सिलेंडर इंजन में जो गांव वगैरह में पानी निकालने के लिए कहा जाता है, मशीन के साथ जो जुड़ा होता है या जेन सेट के साथ जुड़ा रहता है जो पावर जनरेशन के लिए प्रयोग करते हैं, तो उन सभी इंजनों में केम सॉफ्ट लगभग इस तरह का होता है। यही केम सॉफ्ट होता है। बड़े इंजनों में इससे इतर और बड़ा केम सॉफ्ट होगा और छोटे इंजनों में छोटा केम सॉफ्ट होता है। ज्यादातर केम सॉफ्ट के अंदर एक सिलेंडर में दो लोब होते हैं, एक और दो, दो लोब होते हैं। बट सिंगल सिलेंडर इंजन में जो आप देखे होंगे उसमें एक फ्यूल इंजेक्शन पंप को ड्राइव देने के लिए FIPV केम सॉफ्ट के द्वारा ही ऑपरेट होता है, इसीलिए एक केम लोब एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वैसे जनरली जो भी है, जितना भी केम सॉफ्ट है, सारा का सारा प्रति सिलेंडर यानी कि 6 सिलेंडर का इंजन है तो केम सॉफ्ट होगा वह 12 लोब होगा, उसके अंदर 12 लोब होगा। किसी किसी इंजन में इनलेट वाल्व को चलाने के लिए अलग केम सॉफ्ट और एग्जॉस्ट वाल्व को चलाने के लिए अलग केम सॉफ्ट आता है। अगर वाल्व की संख्या प्रति सिलेंडर 4 है तो 8 केम सॉफ्ट इधर, 8 केम लोब 4 सिलेंडर इंजन में, 8 केम लोब एक साइड में और 8 केम लोब एक साइड में, यानी कि इनलेट के साइड में ये जो केम लोब है वो 8 रहेगा और एग्जॉस्ट वाले केम सॉफ्ट में केम लोब की संख्या 8 रहेगी। यानी कि वाल्व की संख्या और ड्राइव मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि केम लोब की संख्या कितनी हो। ज्यादातर हम लोग वाल्व को चलाने के लिए साइड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यानी कि केम सॉफ्ट के ऊपर ये रहता है कैम फॉलोअर इस तरह का देखे होंगे, और उसके ऊपर पुश रॉड के ऊपर रॉकर आर्म, और रॉकर आर्म को पुश करते हैं तो वाल्व नीचे की तरफ डाउन होती है और वाल्व खुल जाता है और वाल्व अपने स्प्रिंग के टेंशन की वजह से स्वतः बंद होता है। इस प्रकार वाल्व खुलता और बंद होता है। यानी कि केम सॉफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? वाल्व को खोलना। वाल्व इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जिसके द्वारा सिलेंडर के अंदर हवा जाती है, प्रवेश करती है और जली हुई गैस बाहर निकलती है, उसको निश्चित समय पर एक्यूरेट टाइम पर वाल्व टाइमिंग के अनुसार वाल्व को खोलना ही मुख्य कार्य है। इसके अलावा इसमें और कार्य है, जैसे कि किसी किसी पेट्रोल इंजन में मैकेनिकल एसी पंप को चलाने के लिए केम लोब का प्रयोग किया जाता है, ट्रेडिशनल केम लोब केम सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है, या ऑयल पंप को चलाने के लिए केम सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डिजाइन के अनुसार, निर्माता के अनुसार केम सॉफ्ट से और भी कार्य लिया जा सकता है, बट इसका मुख्य कार्य वाल्व को ही चलाना है। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे केम सॉफ्ट के अंदर एक गियर रहता है, इसको केम सॉफ्ट गियर कहते हैं, केम सॉफ्ट गियर को इसके साथ या तो प्रेस करके फिट किया जाता है या की बेस के द्वारा या नट बोल्ट के द्वारा, डबल पिन के द्वारा फिट करते हैं। जनरली जो फिटिंग होती है वो इसको प्रेस फिट करके इसके साथ इंसर्ट किया कर दिया जाता है। इसके अलावा ये मेन जनरल है, मेन जनरल हो गया। मेन जनरल केम शाफ्ट को जब फिट करते हैं तो जहां पे बेरिंग लगती है, जनरली बुश टाइप का बेरिंग प्रयोग किया जाता है, उस बेरिंग के अंदर इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। इस भाग को कहते हैं मेन जनरल, और ए भाग हो गया, इसको हम लोग कहते हैं
कैम लोब यही मुख्य कार्य करता है। ये सेंट्रिक शाफ्ट के ऊपर, सीधी शाफ्ट के ऊपर ये जो डिजाइन बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक कैम। इसेंट्रिक कैम होने से अगर ये रोटेट करता है, मूवमेंट करता है, तो इसके साथ जो भी कैरियर रहेगा, जो भी फॉलोअर रहेगा, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल जाएगा। इसके गोल घूमने से वो ऊपर नीचे के चाल में बदल जाता है। तो कैम शाफ्ट का मुख्य कार्य है इसके जो रोटरी मोशन है, इसके साथ जो कैरियर जुड़ा हुआ है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देना। वो भी डिपेंड करता है, इसके नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं हिल, हिल, और सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को नोज कहते हैं। नोज और हिल, हिल यानी कि केम शाफ्ट में लगभग आधा जो पार्ट होता है, आधा पार्ट हिल जो गोल होता है उसका डायमीटर सेम होती है, और उसके घूमने से वाल्व नहीं खुलता है, ऑपरेट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हिल से नोज की तरफ निकलने लगता है और ये जो भाग देख रहे हैं स्लांट, उस स्लांट भाग से धीरे 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 करके वाल्व को खोलता है, यानी कि पुश रॉड को पुश करेगा और वाल्व खुल जाएगी। वाल्व कितना खुलेगा वो डिपेंड करता है नोज और सेंटर ऑफ हिल, जहां से हिल शुरू होता है उसके बीच की दूरी, डायगोनल दूरी कितनी है। लगभग जो भी इंजन है या इंजन निर्माता है, आपका वाल्व खुलने का जो टाइमिंग रहता है, वाल्व खुलने से शुरू होकर वाल्व बंद होने तक लगभग 228 डिग्री से लेकर 248 डिग्री तक इस बीच में ही मैनेज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन, जो कि पहले बताया गया था स्ट्रोक के अनुसार इंजन दो प्रकार का होता है। टू स्ट्रोक इंजन अगर रहेगा तो केम शाफ्ट में जो केम गियर्स हैं वो गियर्स की संख्या क्रैंक शाफ्ट के गियर्स के बराबर होगी, यानी कि जिस स्पीड, जिस आरपीएम से क्रैंक शाफ्ट घूमेगा सेम आरपीएम से आपका केम शाफ्ट भी घूमेगा, यानी कि क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का आरपीएम सेम होगा। लेकिन जैसे ही फोर स्ट्रोक इंजन होगा, फोर स्ट्रोक इंजन में केम शाफ्ट का गियर की संख्या क्रैंक शाफ्ट से दुगना होता है। ठीक से समझिए, सुनिए, क्रैंक शाफ्ट के गियर की संख्या केम शाफ्ट से आधा कर सकते हैं, या केम शाफ्ट के गियर की संख्या क्रैंक शाफ्ट से दुगना, यानी कि क्रैंक शाफ्ट दो चक्कर चलता है तो केम शाफ्ट एक चक्कर चलेगा, यानी कि जो रेशियो होगा 2:1, 2:1 का रेशियो होगा किसका, 2:1 हो गया क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, और एक हो जाएगा केम शाफ्ट। इस तरह से फोर स्ट्रोक इंजन में घूमने का स्पीड है। अभी ड्राइव का भी लेते हैं, ड्राइव किस तरह का ड्राइव होगा, कैसे चलेगी, या तो क्रैंक शाफ्ट के गियर से डायरेक्ट गियर टू गियर कनेक्ट होगा, या क्रैंक शाफ्ट के गियर से आइडियल गियर के थ्रू ही कनेक्ट होता है, या ओवर हेड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जहां पे केम शाफ्ट सिलेंडर हेड के ऊपर रहता है वहां पे चेन के द्वारा, चेन या बेल्ट के द्वारा भी हम लोग ड्राइव देते हैं। आप मारुति वगैरह के इंजनों में देखे होंगे चेन के द्वारा इसको ड्राइव दिया जाता है, यानी किसी भी तरीका से इसको ड्राइव दिया जा सकता है, बट जो ट्रांसमिशन रेशियो होगा वो 2:1 का ही होगा। अब हम लोग इसके धातु की बात करते हैं, किस धातु का बना होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है या आपको पता होना चाहिए। तो यह भी क्रैंक शाफ्ट की तरह ही एलॉय स्टील का बना होता है, याद रखिएगा, यह भी क्रैंक शाफ्ट की तरह ही एलॉय स्टील का बना होता है और फोर्जिंग विधि से बनाया जाता है, अतः इसको हम लोग फोर्ज एलॉय स्टील के नाम से कह सकते हैं। फोर्ज एलॉय स्टील का मेटल, मेटल क्या कहेंगे हम लोग, मेटल एलॉय स्टील, फोर्ज एलॉय स्टील कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी किसी केम शाफ्ट में
जो बड़े इंजन में होता है वहां पे आपको इंटरनल पैसेज बना होता है, यहाँ पे ड्रिल होल किया रहता है, होल किया रहता है और इंटरनल पैसेज बना हुआ रहता है, और प्रत्येक लोब के ऊपर एक ड्रिल होल रहती है बाहर निकलने के लिए, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से इंसर्ट करेगा और प्रत्येक लोब से जहां जहां वाल्व रहेगी तो वाल्व के हेड पे लुब्रिकेटिंग ऑयल स्पिल करता रहेगा, गिरता रहेगा और लुब्रिकेशन का भी कार्य करेगा। इस तरह से क्रैंक शाफ्ट का नॉर्मल बनावट रहता है। तो आप इसको मतलब शॉर्टली समझेंगे तो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का रेशियो समझिए, 2 स्ट्रोक के लिए 1:1 है, 4 स्ट्रोक के लिए 2:1 है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर चलेगा तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर चलेगा। इसके अलावा कार्ज के बारे में समझ लीजिएगा, कार्ज क्या क्या करता है। मुख्य रूप से वाल्व को खोलने का कार्य करता है और बंद करने का कार्य करता है। बंद करने के लिए जो वाल्व के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है वो स्प्रिंग के टेंशन से ही वाल्व बंद होती है, सिर्फ खोलने का कार्य करता है। इसके अलावा किसी किसी इंजनों में फ्यूल इंजेक्शन पंप चलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल एसी पेट्रोल इंजन मैकेनिकल एसी पंप चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी किसी में ऑयल पंप जो कि ऑयल प्रेशर पंप है जिसके द्वारा लुब्रिकेशन का कार्य होता है उसको भी चलाने का कार्य इसके द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा ड्राइव को समझ लेना है, ड्राइव कैसे देते हैं, डायरेक्ट गियर टू गियर कॉन्टेक्ट में रहेगा या गियर से चेन के थ्रू होगा या गियर से बेल्ट के थ्रू होगा, यानी कि क्रैंक शाफ्ट से किसी तरह से भी ड्राइव में जुड़ सकता है। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि एक इंस्पिरेशन मिले और लगे कि सही डायरेक्शन में वीडियो आपको फायदा कर रहा है और इसे नीडी पर्सन तक पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।